हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय। वेलकम बैक टू व्हाट्स माय रिव्यू। सो आज के इस वीडियो में रितेश देशमुख की वेट नाम की मराठी फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो रितेश देशमुख इस वेट नाम की मराठी फिल्म के ट्रेलर आने से पहले मैंने कहा था कि फिल्म के गाने, डायलॉग्स एंड रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ी यूएसपी होने वाली है। बट इसके अलावा हमारी वही यानी जेनेलिया देशमुख का कैरेक्टर और उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी ज़्यादा मैटर करती है। एंड इसलिए मैं इस फिल्म के ट्रेलर का इतना ईगरली वेट कर रहा था ताकि ट्रेलर देख के थोड़ा तो आइडिया मिले कि जेनेलिया देशमुख का कैरेक्टर कैसा है और उनकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली, क्योंकि मछली में समानता का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने परफॉर्मेंस भी उतनी ज़्यादा अच्छी दी थी। एंड वही सिमिलर एक्सपेक्टेशन जेनेलिया से भी है। आप नो डाउट जेनेलिया देशमुख तो अच्छे एक्ट्रेस ही, बट ये मत भूलना कि इनकी पहली मराठी फिल्म में पहली बार डेब्यू करने वाली है। अब इस ट्रेलर को देखे तो परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, बट मराठी डिक्शन थोड़ा और इम्प्रोवाइज होना चाहिए था। सो बीन अ नॉन महाराष्ट्रन फिर भी उन्होंने मराठी फिल्म करने का डिसीजन लिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये चैलेंजिंग था उनके लिए और ये चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। एंड इसलिए मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, बट एटलीस्ट एक नेचुरल परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन तो रखता हूँ। इस फिल्म के ट्रेलर में ऐसे कई सारे शॉट्स है जो मेकर्स ने तेलुगु वर्जन से अडेप्ट किए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे जेनेलिया देशमुख कुछ ना कुछ बहाना बना के रितेश देशमुख के पैर छूने की कोशिश करती है। एंड यही सीन एग्जैक्टली मछली में भी है जहाँ समंता नागा चैतन्य के पैर को टच करती है। सो मैंने इस फिल्म का तेलुगु वर्जन देखा एंड यही सीन मेरा सबसे फेवरेट था एंड उसी सीन को मेकर्स ने अडेप्ट किया है। बट यार ओरिजिनल वर्जन में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें अडेप्ट करना ही पड़ता है। तिरनाल लव हो गए जैसी लव स्टोरी के बाद रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख फिर एक बार साथ एक लव स्टोरी के लिए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। हाँ, आई मीन रिसेंटली इनको कोई मिस्टर मम्मी नाम की फिल्म आई थी बीच में, बट उसके बारे में अगर मैं बात ना करूँ तो ही अच्छा है। सो वेट, ये मराठी फिल्म रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस फिल्म को उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, प्लस इसके लीड एक्टर भी है, प्लस उनकी वाइफ भी उनके साथ इस बार एक्टिंग कर रही है। तो इस फिल्म के ट्रेलर में कुछ फाइट सीक्वेंस भी जो हम टीजर में ऑलरेडी देख चुके हैं, बट हाँ दो एडिशनल सीन है जो यहाँ पे ऐड किए। एक जहाँ पे इस फिल्म के विलन को रिवील किया गया, दूसरा सीन है जहाँ पे रितेश देशमुख किसी की जंप के पिटाई कर रहे एंड उसी वक्त सामने से ट्रक चली जाती है। सो मुझे तो ये पर्टिकुलर शॉट बहुत ही अच्छा लगा एंड इसकी एक्शन कोरियोग्राफी भी अच्छी है। देखो, मैंने पहले कहा था इस फिल्म के डायलॉग बहुत ही हार्ट टचिंग होने वाले एंड जेनेलिया देशमुख का ये डायलॉग तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसा आपल्यावर प्रेमच नाही त्याच्यावर प्रेम करायचं दुखणं तुम्हाला नाही कळणार बाबा। अब इस फिल्म के ट्रेलर का जो एंड पार्ट है, ये फिल्म का क्लाइमेक्स होने वाला है, क्योंकि एक्जैक्टली सेम सिक्वेन्स भी मजली में था। सो तो मराठीत म्हणलं तर रितेश देशमुखला हवं असतं, त्यांनी हीच फिल्म हिंदीमध्ये बनवली असती, पण नाही, त्यांनी आधी मराठी इंडस्ट्री निवडली, ही फिल्म मराठीमध्येच बनवली, त्यांच्या ह्या निर्णयावरती ठाम होते। बॉलिवूडचा सुपरस्टार असूनही तो मराठी फिल्म इंडस्ट्रीला पुढे घेऊन जाण्याचं स्वप्न बघत आहे। माऊलीसारख्या चांगल्या सिनेमाला तुम्ही सपोर्ट केला नाही, आता या फिल्मला तरी सपोर्ट करा। देखो, मेरे लिए तो डझंट मॅटर की फिल्म रिमेक आहे, मैं फिर भी ये फिल्म हिंदी और मराठी ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस फिल्म में अपना ही अलग मजा होने वाला है, क्योंकि रितेश देशमुख ने हमेशा मराठी इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी कंटेंट ही डिलीवर किया है। सो गाइज, आप इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स ऑन द अपकमिंग वीडियो। सो टेक केयर एंड सी यू गाइज।